Hello, good morning students. Today let us continue our topic solid state. ये almost ending में है, कुछ क्षण बचे हुए हैं इसके ख़त्म होने में. तो आज अपन डिस्कस करेंगे imperfection in the solids. Imperfection बोल सकते हैं या defect बोल सकते हैं. देखिए defect किस वजह से generate होते हैं, temperature की वजह से generate हो सकते हैं, pressure की वजह से generate हो सकते हैं. तो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से कई बार पार्टिकल्स या तो अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं या जगह से गायब ही हो जाते हैं. तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स. अब ये जो इम्परफेक्शन हैं, जैसे पार्टिकल्स गायब हो रहे हैं, मिसिंग हो रहे हैं, तो वो कहाँ कहाँ से मिसिंग हो रहे हैं. सपोज एक पार्टिकल गायब हुआ, उसके बाद उसका नेक्स्ट दूसरा पार्टिकल गायब हो गया, फिर तीसरा गायब हो गया. ऐसे एक लाइन में पार्टिकल्स अगर गायब हो रहे हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट. इस तरह से 1, 2, 3, 4 अगर ये इस तरह से गायब हो जाए पार्टिकल्स, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन डिफेक्ट. और लाइन के साथ साथ अगर ऐसे दूसरी लाइन भी चले जाए, तीसरी लाइन के पार्टिकल्स भी गायब हो जाएँ, तो एक प्लेन में अगर पार्टिकल्स गायब हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं अपन, प्लेन डिफेक्ट. और बीच बीच में कहीं से भी एक पार्टिकल यहाँ से गायब हो गया, एक यहाँ से गायब हो गया, चाहे जहाँ से कोई पर्टिकुलर लाइन और प्लेन नहीं जनरेट हो रहा है, तो फिर हम उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट. तो हमारे सिलेबस में है पॉइंट डिफेक्ट. अब पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप का हो सकता है, तीन टाइप का, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट. स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट मीन्स फॉर्मूला सेम रहेगा, डिफेक्ट होने से फॉर्मूला चेंज नहीं होगा. नॉन स्टोइकोमेट्रिक फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मतलब या तो कोई कैटायन एनायन में से एक ज़्यादा गायब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो रेशियो है आयंस का वो चेंज हो जाएगा. इम्प्योरिटी डिफेक्ट में कोई अदर सब्सटेंस जो है वो क्रिस्टल में एंटर कर जाए, तो अपन उसे क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ठीक है, अब वन बाय वन लेते हैं अपन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट. स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो है उनको अपन पहले दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. पहला नॉन आयनिक सब्सटेंस के लिए, दूसरा है आयनिक सब्सटेंस के लिए. आयनिक सब्सटेंस में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी पड़ती है, तो उसके हिसाब से फिर वहाँ पे आयंस एक दूसरे की पोजीशन चेंज करेंगे या गायब होंगे. नॉन आयनिक दो टाइप के हो गए, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टीशियल डिफेक्ट. वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब है कोई पार्टिकल क्रिस्टल से गायब हो जाएगा और उसकी जगह क्या बन जाएगी, वैकेंसी बन जाएगी. तो अगर कोई पार्टिकल गायब हो रहा है, वैकेंसी जनरेट हो रही है, तो डेफिनेटली उसकी डेंसिटी क्या होगी, थ्योरेटिकल डेंसिटी डेंसिटी से कम निकल के आएगी. तो ये हुआ वैकेंसी डिफेक्ट. इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट में क्या होता है, कोई सेम पार्टिकल जो है वो इंटरस्टीशियल साइट्स में आ जाता है. सभी जगह तो है ही, प्रॉपर प्लेस पे तो है ही, उसके अलावा इंटरस्टीशियल साइट्स मतलब पार्टिकल्स के बीच में, जैसे ये खाली जगह होती है इसे अपन बोलते हैं इंटरस्टीशियल साइट्स, वहाँ पे कोई पार्टिकल ट्रैप हो जाता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड, तो उस केस में डेंसिटी जो है वो एक्सपेक्टेड डेंसिटी से ज़्यादा निकल के आएगी. रीज़न वॉल्यूम तो वही रहा और मास ज़्यादा हो गया, तो डेफिनेटली डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है. फिर इसी तरीके से वैकेंसी और इंटरस्टीशियल डिफेक्ट जो होते हैं वो आयनिक सॉलिड्स में भी जनरेट होते हैं, लेकिन उनके लिए हम दो अलग अलग नेम यूज़ कर रहे हैं, शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट. यहाँ ये ध्यान रखना है नेम से हमें कि स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट है ये प्योर, मतलब ये हुआ कि इसमें आयन पेयर जो है या फॉर्मूला यूनिट्स बोल सकते हैं, तो फॉर्मूला यूनिट मिसिंग होंगी. अकेला Cl मिस नहीं हो सकता, अकेला Na मिस नहीं हो सकता, अदरवाइज तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगी और फिर वो अगर मेंटेन रखना है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. तो ओनली Cl गायब हो गया तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो फिर वो स्टोइकोमेट्रिक नहीं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक बन जाएगा. तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या हो जाता है, पेयर्स पेयर की फॉर्म में गायब होता है या फॉर्मूला यूनिट, जैसे NaCl की फॉर्मूला यूनिट क्या है, NaCl. ऐसे मान लो कैडमियम क्लोराइड है CaCl2, तो उस केस में क्या होगा, एक कैडमियम और दो Cl, मतलब तीनों एक साथ गायब होंगे, तभी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी. तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें आयन पेयर मिसिंग होते हैं और वैकेंसी जनरेट होती है, ये प्योर वैकेंसी डिफेक्ट है. और
यहाँ जो डेंसिटी है डेफिनेटली थ्योरेटिकल डेंसिटी से कम निकल के आएगी। कितनी कम होंगी उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, डिफरेंस इन डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू थ्योरेटिकल इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज ऑफ मिसिंग यूनिट्स अपन यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। और ये किन में प्रेजेंट होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जहाँ कंपेरेबल साइज है, मतलब कैटाइन और एनायन की साइज में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो दोनों आयन एक साथ गायब हो जाएंगे, इस तरह से अपन इसको लर्न कर सकते हैं। और अगर एक बहुत बड़ा है एक बहुत छोटा है तो फिर वो कौन सी वर्ड्स में रहेगा, ये तो आइडिया है ही हमें। अगर एक छोटा एक बहुत बड़ा है तो टेट्राडल वर्ड आती है, अगर डिफरेंस कम होता है तो ऑक्टाडल वर्ड आती है, और डिफरेंस कम होता है तो क्यूबिकल वर्ड निकल के आती है। तो इसके एग्जांपल्स को आप इसी तरीके से याद रखोगे कि अगर कंपेरेबल साइज हैं, आयन्स एक जैसे हैं, तो पेयर में गायब होंगे, जोड़े से गायब होंगे, तो उसे अपन इस डिफेक्ट के अंदर में लाएंगे। एग्जाम्पल्स NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, AgBr। तो यहाँ तुम देख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 8 वाले जो एग्जाम्पल्स है ये है मोस्टली। इसके बाद जो दूसरा आता है फ्रेंकल डिफेक्ट। ये पहले तो डिफेक्ट होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो कटाइन होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से इंटरस्टीशियल साइट्स में आ जाता है, तो यहाँ वैकेंसी भी जनरेट होती है और इंटरस्टीशियल साइट्स में पार्टिकल आ भी जाता है। जबकि यहाँ देखिए वैकेंसी जनरेट नहीं हो रही है, तो ये नॉन आयनिक और आयनिक में डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटाइन अपनी लोकेशन छोड़ के इंटरस्टीशियल साइट्स में आ जाता है, तो डेफिनेटली ये वैकेंसी डिफेक्ट भी है और इंटरस्टीशियल डिफेक्ट भी है, और इसको अपन डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ डेंसिटी पे तो कोई इफेक्ट आना ही नहीं है, मास उतना ही है, वॉल्यूम उतना ही है, केवल पोजिशन चेंज हुई है, तो इसको अपन डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। मोस्टली ये किन में प्रेजेंट होगा, मोस्टली प्रेजेंट इन सॉलिड्स हैविंग मोर साइज डिफरेंस, मतलब बड़े वाले ज़्यादा बड़े हैं छोटे वाले छोटे हैं, तो उस केस में इस तरह के डिफेक्ट जनरेट होते हैं। जैसे जिंक सल्फाइड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आता है, टेट्राडल वर्ड्स में यहाँ पे रहेगा जिंक। AgCl, AgBr, AgI, AgBr देखिए दोनों में आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। ऐसा कोई हमने बोला नहीं है कि भाई स्कॉटकी डिफेक्ट आता है तो फ्रेंकल डिफेक्ट नहीं होता है, तो AgBr में शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों होते हैं, मतलब AgBr यूनिट्स भी गायब होती है और डिसलोकेशन भी होता है। तो ये था स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट से रिलेटेड मैटर। इसके बाद अपन लेते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। यहाँ से एक बार इसको पॉज करके कंप्लीट नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट वी टेक नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा तो दो टाइप से हो सकते हैं, फॉर्मूला चेंज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, या तो कैटाइन ज़्यादा हो जाएगा या एनाइन ज़्यादा हो जाएगा, तो उनका जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे आयरन ऑक्साइड है FeO, तो 1:1 में है दोनों, लेकिन अगर कोई एक यहाँ पे कम ज़्यादा हो गया तो रेशियो 1:1 नहीं रहेगा, उस केस में हम इसे क्या बोल देंगे, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ये हेडिंग डाल लीजिए। ये दो टाइप का हो जाएगा, एक में हम क्या बोल रहे थे, मेटल गायब हो जाए तो नॉन मेटल एक्सेस हो जाएगा, मेटल गायब हो जाए तो और नॉन मेटल गायब हो जाए तो मेटल एक्सेस। तो यहाँ पे दो टाइप से मिल लेते हैं, मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल एक्सेस का क्या मतलब है, नॉन मेटल गायब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेटल एक्सेस हो जाएगा, मेटल डेफिशिएंट का मतलब मेटल ही गायब हो जाएगा। तो इस केस में हम दो टाइप के एग्जांपल्स ले लेते हैं, पहला ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज,
ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। इसके एग्जांपल है NaCl, NaCl। सपोज ये क्रिस्टल है Na प्लस Cl माइनस Na प्लस अगर ऐसा है तो इसमें कोई डिफेक्ट है क्या? नहीं, ये तो परफेक्ट क्रिस्टल है। अब इसमें डिफेक्ट की बात आती है तो कभी कभार इसकी जब NaCl जब बन रहा होता है तो उस केस में मान लेते हैं कि इसमें ये Cl माइनस यहाँ नहीं है तो वो उसकी जगह फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर रखेगा। एक्चुअल में क्या होता है, जब NaCl को सोडियम वेपर्स के साथ हीट करते हैं तो उस केस में जब सोडियम NaCl के ऊपर डिपॉजिट होता है तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग होके और सॉलिड में डिफ्यूज़ हो जाता है। तो एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जो एक्स्ट्रा सोडियम है उसका है और उसकी जगह Cl था नहीं, तो ये क्या बन गया, कौन सी वैकेंसी? वैसे ये एनायनिक वैकेंसी है और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्रिस्टल का कलर जनरेट हो जाता है, क्रिस्टल में कलर जनरेट हो जाता है। इसलिए इस वैकेंसी को अपन क्या बोल सकते हैं, कलर सेंटर और एफ सेंटर। व्हाट इज एफ सेंटर? भाई मेटल एक्सेस डिफेक्ट में नॉन मेटल की जगह जो वैकेंसी जनरेट होती है उस वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है, उस साइड को अपन क्या बोल रहे हैं, एफ सेंटर। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे रीजन निकल के आ रहा है वो रीजन निकल के आ सकता है कि भाई मेटल एक्सेस की तो बात कर रहे हैं तो नॉन मेटल न जाकर मेटल कुछ एक्स्ट्रा आ जाए, मतलब इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाए, ऐसा होता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटल इन इंटरस्टिशियल साइट, ऐसा होता है जिंक ऑक्साइड में, जैसे ये Zn+2 O-2 Zn+2 O-2, ये तो परफेक्ट क्रिस्टल है। अब इसमें अगर कोई डिफेक्ट जनरेट हो रहा है तो फिर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जिंक ऑक्साइड को जब गर्म करते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन बाहर चले जाती है तो उसके बजाय जो जिंक आयन है वो तो यहीं रह जाता है, ये देखिए इंटरस्टिशियल साइट्स में, और दूसरे की जगह वो अपने इलेक्ट्रॉन जो थे ऑक्सीजन वो यहाँ छोड़ के चला जाता है। तो इनकी वजह से भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट जनरेट हो जाते हैं और क्रिस्टल में कलर आ जाता है। यही रीज़न है कि जिंक ऑक्साइड जब ठंडा होता है उस केस में वाइट होता है और जब इसको गर्म करते हैं तो येलो कलर आ जाता है। सिमिलरली NaCl में भी इस डिफेक्ट की वजह से येलो कलर आ जाता है। लिथियम क्लोराइड है उसमें अगर इस तरह का डिफेक्ट आता है तो पिंक कलर जनरेट होता है, और अगर पोटेशियम क्लोराइड में इस तरह का डिफेक्ट आता है तो वायलेट कलर जनरेट होता है। तो ये दो तीन एग्जाम्पल अपन ध्यान रख सकते हैं। दूसरा आते हैं मेटल डेफिशियंट डिफेक्ट। इसमें क्या होगा, मेटल खुद ही बाहर जाएगा। अब मेटल अगर बाहर जाएगा तो वो अपना पॉजिटिव तो छोड़ के जाने से रहा, तो उस केस में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कैसे रहेगी, ये यहाँ पे हम थोड़ी सी सोचने वाली बात है। कि जैसे मान लो ये कोई प्लस और माइनस और प्लस, मान लो कुछ इस तरह के आयन्स हैं, अभी इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। अब हमें कौन सा डिफेक्ट्स देखना है, मेटल डेफिशिएंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेटल आयन बाहर चला गया, अब ये अगर प्लस यहाँ से बाहर चला गया तो फिर पीछे जो हमारा क्रिस्टल है उस पर कौन सा चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, जबकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। तो फिर ये यहाँ अपना प्लस या प्रोटॉन तो छोड़ के नहीं जा सकता है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन कि यहाँ इलेक्ट्रॉन रह जाता है लेकिन प्रोटॉन तो नहीं रह सकता। तो इस केस में फिर क्या होगा, इस केस में होगा इसके पड़ोसी ये रहे जो आयन्स हैं, ये आयन्स
अगर चाहें तो ये बाहर जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। कैसे? या इन कहेंगे भाई प्लस तू चला जा, हम प्लस वन से क्या बन जाएंगे, प्लस टू बन जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्लस बाहर गया और अंदर जो उसके पड़ोसी थे उनमें से एक क्या बन गया, प्लस टू बन गया। फिर कोई दूसरा बाहर जाता है तो तीसरा प्लस टू बन जाएगा। इस तरह से मेटल्स बाहर जाते हैं तो पीछे जो मेटल आयन बचते हैं उन्हें अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना पड़ता है। इसलिए ये NaCl में हो सकता है या नहीं हो सकता ऐसा डिफेक्ट? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एक Na+ चला जाएगा तो उसके पड़ोसी Na+ क्या बोलेंगे कि हमारी तरफ से तुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न, हम प्लस टू नहीं हो सकते, इसलिए NaCl में ये डिफेक्ट नहीं आएगा। तो अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इस तरह के डिफेक्ट किस में होते हैं, जिनमें मेटल आयन क्या रखते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं, मतलब जो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन हुआ, ट्रांजिशन मेटल्स की अगर बात करें, आयरन है प्लस टू से थ्री में जा सकता है, निकल है प्लस टू से प्लस थ्री प्लस फोर में जा सकता है। तो इस तरह के जो आयन्स होते हैं उनमें इस तरह के डिफेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है उसमें अपन ले सकते हैं आयरन ऑक्साइड का एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। क्या रहने वाला है ये, वन इज टू वन में है। इसका मतलब हर एक आयरन प्लस टू के लिए ओ प्लस टू होता है। कुछ इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे जनरेट होती है। ये तो एक परफेक्ट क्रिस्टल बना रहे हैं अपन। अब इसमें से एक आयरन, सपोज ये आयरन जो है वो बाहर चला जाए, तो बताइए कितने आयरन को प्लस थ्री होना पड़ेगा। दो पॉजिटिव बाहर गए हैं तो दो पॉजिटिव अंदर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये एक ये प्लस थ्री हो गया मान लो, और एक ये प्लस थ्री हो गया। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिकली टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव तो सेम है, बट आयरन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:1 नहीं है। आयरन और ऑक्सीजन एक दूसरे से बराबर नहीं है। यहाँ कौन ज़्यादा हो गए, ऑक्सीजन ज़्यादा हो गए। इसीलिए यहाँ जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है Fe 0.93, Fe 0.95। तो वन के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू वन से कम हो जाती है। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है आयरन 0.093, इस आयरन में क्या सभी आयरन प्लस टू हैं? नहीं, ज़्यादातर आयरन प्लस टू है, लेकिन कुछ आयरन जो है वो प्लस थ्री में कन्वर्ट हो गए। तो जितना आयरन प्लस टू डाउन होगा उतना ही प्लस थ्री का परसेंटेज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि कितना परसेंटेज आयरन कन्वर्ट हो चुका है। जैसे अभी ये 0.93, अभी आए 0.83, इसका क्या मतलब है कि आयरन और ज़्यादा बाहर गए होंगे, तो पीछे जो आयरन बचे हुए थे वो और ज़्यादा प्लस थ्री हो गए होंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम बना लेते हैं कि कितना परसेंट इसमें आयरन प्लस थ्री है। ये तो हमें पक्का पता है कि प्लस थ्री डेफिनेटली है, अगर प्लस थ्री नहीं होता तो ये 1:1 में होता। इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पीछे जो मेन लॉजिक है वो क्या होता है, टोटल पॉजिटिव विल बी इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव। चार्ज बैलेंस कर दो, चार्ज को इक्वलाइज कर दो, तुरंत आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं कि आयरन 0.93 ओ है तो उसमें आयरन प्लस थ्री का परसेंटेज कितना है। तो देखिए इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, Fe 0.93 O, सिंपल सा लॉजिक है, जितने भी आयरन रहे होंगे टोटल चार्ज क्या रहेगा इन पे, प्लस टू ही रहेगा। इस पे क्या है, -2, इस पे क्या, +2। तो इसमें हमारे पास दो टाइप के आयरन हैं, सम आयरन प्लस थ्री एंड सम आयरन +2 एंड +3। सपोज ये एक्स है तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, 0.93 - x। अब चार्ज की बात करें तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, 0.93 - x इज द नंबर ऑफ आयरन +2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल चार्ज यहाँ पे निकल के आएगा, इस x को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये चार्ज निकल के आ जाएगा, इन दोनों को सम करेंगे तो टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा आयरन पे, जो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर यहाँ से परसेंटेज ऑफ आयरन +3 लाना है, तो x कितने में से है, 0.93 में से × 100, ये वैल्यू ऑलमोस्ट 15% निकल के आ जाएगी। इस तरह से कुछ इस तरह के छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे बनते हैं। और लास्ट वन आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में दो टाइप से अपन बात कर सकते हैं, कोई फॉरेन पार्टिकल जो है
वो इंटरस्टीशियल साइट्स में भी आ सकता है और किसी पार्टिकल की जगह भी आ सकता है। इस तरह से अपन बात कर सकते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। लास्ट जो है अपना वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट हेडिंग डाल लीजिए। इम्प्योरिटी डिफेक्ट इम्प्योरिटी डिफेक्ट मार्कर की इंक चेंज करनी पड़ेगी भाई। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कुछ इस तरह की सिचुएशन भी जनरेट हो सकती है मान लो यहाँ कोई पार्टिकल आ गया, दूसरा पार्टिकल आ गया, बी पार्टिकल इंटरस्टीशियल साइट्स में आ गया। तो ये एक तो इस टाइप का इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टिकल इन इंटरस्टीशियल साइट्स। दूसरा ये भी हो सकता है कि यहाँ ए बी टाइप के क्रिस्टल्स हैं, या ऐसे ले लो एक NaCl का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे AgCl, Ag प्लस Cl माइनस Ag प्लस Cl माइनस Ag प्लस Cl माइनस। सपोज ये तो परफेक्ट क्रिस्टल है, इसमें मान लो हम कैडमियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो एक कैडमियम एंटर करेगा तो कितने Ag को बाहर जाना पड़ेगा, दो को, तो ये एक्चुअल में Ag की जगह ही आ जाता है, तो एक तो ये ऑक्यूपाई कर लेगा और एक वैकेंसी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। और अगर वैलेंसी सेम है, प्लस वन की जगह प्लस वन ही आ रहा है, तो वैकेंसी जनरेट नहीं होंगी। तो देखिए ये इंटरस्टीशियल साइट्स में आने की वजह से हो रहा है और ये पार्टिकल की जगह आने की वजह से हो रहा है, ये भी इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, ये भी इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। यहाँ पे वैकेंसी जनरेट होती है तो कितनी वैकेंसी जनरेट होती है ये तो डिपेंड कर रहा है हटने वाले आयन और इनकमिंग आयन की वैलेंसीज पे। तो एक कैडमियम आएगा तो कितने Ag को बाहर जाना पड़ेगा, दो को, लेकिन वैकेंसी कितनी बनेंगी, एक, क्यों, एक की जगह तो खुद आएगा अभी, तो दो को भगा के एक पोजीशन खुद ऑक्यूपाई करेगा, एक वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कैडमियम प्लस टू इन द सॉलिड। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फॉर डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो ये हमने सॉलिड्स में जो डिफेक्ट होते हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार ध्यान से वीडियो को देख के नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, सेकेंड टाइम पे नोट्स बनाने हैं, पॉज कर करके कंप्लीट नोट्स को बना के और फिर बार बार वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।